में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। कितने लोग समर्थन में है? एक भी हाथ हमको किसी सभा में नहीं होता कि जो ना उठे। अच्छा, जब देश का जनमत, जब देश का बहुमत पुरानी पेंशन की है तो अपनी जिद क्यों भाई? लोकतंत्र में राजा नहीं होता है, लोकतंत्र में। आप तो कहते हो हम प्रधान सेवक हैं, और प्रधान सेवक के हाथ से दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लाखों लोगों ने हाथ उठाया उसी पुरानी पेंशन के लिए, फिर लोकतंत्र में बहुमत और जनमत का क्या मतलब निकला? अभी 3-4 राज्यों 5 राज्यों के परिणाम आए, हमारे तमाम साथियों ने हमसे कहा कि सर अब क्या होगा? हमने कहा पार्टी हारी है, मुद्दा जीता है। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं 2 दिन से एनालिसिस कर रहा हूं, 230 विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर 199 सीटों पर कर्मचारियों ने अपने मुद्दे पर समर्थन जताया, 199 सीटों पर पोस्टर बैलेट में, 200 सीटें 199 सीटें राजस्थान में, 170 सीटों पर ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारियों का समर्थन जताया है। ये मुद्दे की जीत है, हार नहीं है, ये जीत है। कुलों का मुद्दा खत्म हो गया, हमने कहा 200 में 170 पर अगर जनमत मिल रहा है तो जीत हो रही है, हार हो रही है? ये तो जीत हो रही है ना। और मैं फिर कह रहा हूं, आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसी के साथ एक बात कहूंगा, चिंता न करिएगा, इस देश में इस बात के इस प्लेटफार्म पर इस स्टेशन पे कह रहा हूं, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। देखो तो रोक नहीं सकता, और जो अधिकार आपको मिले हैं क्या एक बार में मिल गए क्या, या एक दिन में मिल गए क्या? बहुत लंबा संघर्ष हुआ है, बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। हम आप तो पेंशन का संघर्ष करें तो पेंशन मिलेगी, अरे इस देश में आजादी मिली, जिनको पेंशन नहीं उनको फांसी मिली, तब भी लड़े लोग, उनको पता था फांसी मिलेगी फिर भी लड़ रहे थे। हमें आप तो पता है ना, लड़ने के बाद पेंशन मिलेगी।